गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपके हिंदी विषय का पाठ चार, चांद से थोड़ी सी गप्पे। क्या है पाठ का नाम? चांद से थोड़ी सी गप्पे। देखो, इस पाठ में एक 10-11 साल की लड़की चांद के प्रति जो उसके मनोदशा है, जो उसके अंदर विचार है, उसके बारे में बताया गया है कि वो एक 10-11 साल की लड़की चांद के बारे में अपने क्या विचार रखती है। देखो, इसके कवि परिचय में, ये कविता है तो इसका कवि परिचय, इसके लेखक कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है बेटा इसके कवि? शमशेर बहादुर सिंह। जैसे कि हमने पिछले भी सभी चैप्टर्स में कविताओं में कवि पढ़े हैं और पाठों में लेखक पढ़े हैं, इसी प्रकार इस कवि का भी कवि परिचय देखेंगे। देखिए, इनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून में। कहाँ हुआ था बेटा? देहरादून में। इनके पिता का नाम, शमशेर बहादुर सिंह जी के पिता का नाम तारिक सिंह था और माता का नाम परम देवी था। माता और पिता का नाम क्या हुआ? पिता का नाम तारिक सिंह और माता का नाम परम देवी था। इनके एक भाई था, इनसे छोटा, 2 साल छोटा तो भाई था, उसका नाम था तेज बहादुर। भाई का नाम तेज बहादुर। तेज बहादुर शमशेर बहादुर से 2 साल छोटा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो ननिहाल देहरादून में हुई। तो देहरादून में इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म भी देहरादून ननिहाल में हुआ और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी देहरादून में हुई। जब इन दोनों भाइयों की, तेग बहादुर और शमशेर बहादुर की जोड़ी को इनकी माँ राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी, और ये जोड़ी जब तक शमशेर बहादुर जिंदा थे तब तक कायम रही। इन दोनों भाइयों में आपस में विचारों में कभी भी मतभेद नहीं हुआ। इनकी जोड़ी अंत तक इन्होंने भाई और राम लक्ष्मण की जोड़ी निभाई। अब इनकी धर्म पत्नी, देखिये बेटा, 1935-36 में उकील बंधुओं से, 35-36 ईस्वी में उकील बंधुओं से इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। क्या लिया? कला प्रशिक्षण लिया। 1929 में 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ, जो इनकी पत्नी का नाम था धर्मवती। क्या था इनकी पत्नी, इनसे इनका क्या हुआ? विवाह। कितनी उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में इनका धर्मवती से विवाह हुआ। लेकिन थोड़े ही दिनों में, 6 वर्ष के बाद ही, 1935 में ही इनका निधन हो गया। इनकी पत्नी का निधन हो गया, इनके टीबी की बीमारी होने से इनकी मृत्यु हो गई। अब शमशेर बहादुर सिंह का जीवन बहुत ही जटिलताओं में जकड़ गया। पत्नी की मृत्यु हो गई और जीवन अभाव में व्यतीत होने लगा। इन्हीं अभाव में अपने जीवन को इन्होंने अपनी कविताओं में संजो कर रखा और काल से हमेशा लड़ते रहे। काल के वशीभूत होकर इन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। इनकी पत्नी की मृत्यु के बाद भी वो अपने लेखन कार्य में इन अपने जीवन को सजीव वर्णन जो है उसमें करते गए। इनकी मृत्यु हुई थी 12 मई 1993 को अहमदाबाद में। कहाँ हुई इनकी मृत्यु? 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, दोआब, प्लाट का मोर्चा आदि। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये बेटा अपना पाठ था चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें 10-11 साल की लड़की जो है पूरे आकाश को चांद का क्या बताती है? वस्त्र बताती है, और उसके ऊपर तारे सितारे जड़े हुए बताती है। वो पूरे आसमान में फैले हुए हैं, केवल चांद का मुख ही बाहर है, बाकी सारे तारों से जड़ा हुआ वस्त्र उसने पहन रखा है। तो अनेक विचार वो अपने इस कविता के माध्यम से हमें बता रही है। ये आपका लेखक परिचय था और कुछ पाठ के बारे में बताया है। कल हम आप लोगों का ये चैप्टर रीड करेंगे। ये लेखक परिचय आपको अपने नोटबुक में करना है। धन्यवाद।